कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का हमने ओरिजिन देखा कि ये पीएनएस से ओरिजिनेट होता है। पीएनएस में हम लोगों ने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो टाइप की न्यूरॉन्स थी, एक तो क्रेनियल नर्व्स थी और एक स्पाइनल नर्व्स थी। तो ये सारी की सारी जो नर्व्स है जो हम एएनएस में पढ़ने वाले हैं, उनके टू टाइप्स है, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरा सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व्स हम लोगों ने देखा सारी की सारी स्पाइनल कोर्ड से जनरेट हो रही थी। उसी टाइप से जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स है वो हमारे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों से जनरेट होने वाली है। कल हम लोगों ने वो पढ़ी, वो सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्रेनियल और स्पाइनल, वो दोनों के दोनों बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसा कि हम लोगों ने कल के डायग्राम में पढ़ा था कि कल के डायग्राम में स्पाइनल कोड मैंने बनाई थी, स्पाइनल कोड से जो प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोन, पोस्ट गैंग्लियोन, ये सारी सारी चीज़ें थी, वही सारी की सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिफरेंस रहेगा, उसका डिफरेंस का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको क्या समझा रही हूँ, यहाँ पैरासिंपैथेटिक है वो समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पैरासिंपैथेटिक है, यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको एक मिड ब्रेन बना हुआ दिख रहा है, मिड ब्रेन, उसके बाद में ब्रेन स्टेम, उसके बाद में सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, ये सारे के सारे पोर्शन आपको स्पाइनल कॉर्ड और ये हमारे ब्रेन के डायग्राम में आपको ध्यान में है, ठीक है। अब आप मेरे को एक आंसर करेंगे कि ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से हिस्से आते हैं। और एक चीज से मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आप लोग आंसर ही नहीं करते हो, ठीक है। व्यूज है, धीरे धीरे आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग आंसर ही नहीं करते। मतलब 30 अप्रोक्स मैंने लास्ट जो वीडियो डाला उस पर 30-35 के अप्रोक्स व्यूज है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है, बाकी सारे बच्चे उनको नहीं पढ़ना, ठीक है। आप लोगों में से क्लास में भी तो क्वेश्चन किए जाते हैं, क्लास में भी आपको कोई भी टीचर है वो नेक्स्ट डे का पूछेगा तो सही नहीं कि आपको लास्ट डे क्या पढ़ाया था, आप लोग आंसर कीजिए उस चीज़ को। आंसर नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलती है। अब मैं आपको पनिश तो कर नहीं सकती, आपको सजा मैं दे नहीं सकती, तो आप लोगों ने एकदम ही ढील बरत रखी है कि ठीक है यार चलने दो, जैसा चल रहा है, मैम आएगी बक बक करेगी, काम खत्म, हम लोग 10 मिनट मैम को बक बक करते हुए देख लेंगे और मैम का काम हो जाएगा। आप मेरे लिए पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे ना, आप तो खुद के लिए पढ़ रहे हो ना, अपने लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे तो ये चीज़ की फैसिलिटी हो रही है कि आप आंसर है वो बुक से देख के दे सकते हैं मेरे को, यही कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको आना ही चाहिए, लेकिन आप आंसर करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे। जिस चीज़ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आपने आंसर ढूंढ के किया है, तो वो आंसर आप कभी भी नहीं भूलने वाले, ठीक है। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि आप लोग है कि मेरे को रेस्पॉन्स नहीं करते, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स चाहिए, जो कि आप शेयर नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, उस टाइप की सारी शिकायतें मैं हटा देती हूँ। आप लाइक मत करो, मैं बहुत गंदा पढ़ाती हूँ, मुझे पता है, आप लोग लाइक मत करो वीडियो को, लेकिन आप उसको आंसर तो कर सकते हैं, आप देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को दे सकते हैं, देख के दे दो भाई, आंसर देना आपके लिए अच्छा रहेगा। और उससे क्या रहूँगी मैं, मोटिवेट रहूँगी, देख लो कि रियल बात बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं वीडियो लेक्चर खड़े होकर बनाऊँ, मैं ये बोर्ड लिखूँ, ऐसी तबीयत मेरी नहीं है, अभी मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के लिए वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, वीडियो बना के दे रही हूँ, और तो भी आप लोग है कि कोई मेरे को पॉजिटिव आंसर नहीं दे रहे हैं। तो पॉजिटिव आंसर नहीं दोगे तो बेटा जी 2 दिन के वीडियोस और रहे हैं, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं, व्हाट्सअप आज की दुनिया में सब चलाते हैं, जिन जिन बच्चों को पर्सनली पढ़ना है वो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं उनके लिए वीडियो पर्सनली बना के डाल दूंगी, यूट्यूब पे डालने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सअप पे उनको पर्सनली भेजूंगी, ना तो मेरा डेटा यूज़ होने वाला और ना ही मेरे को और टाइप की जो ये फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है यूट्यूब पे डालने के लिए, उस टाइप की कोई फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। किस लिए कर रही हूँ मैं फॉर्मेलिटीज़? आप लोगों के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप लोग है कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, आप लोग मेरे को मोटिवेट ही नहीं रख पा रहे, तो उससे सेंस कहाँ तक निकलेगा? कहीं तक नहीं निकलेगा, मैं क्यों दुख पाऊँ, ठीक है। तो बेटा जी पढ़ना आप लोगों को है, ठीक है, मेरा कोई ऐसे हॉबी नहीं बन चुकी कि भाई मैं आप लोग के लिए डेली लेक्चर है वो प्रोवाइड करवाऊँ। तो आप लोग को जिसको पर्सनली पढ़ना है, या तो आप मेरे को आंसर करना शुरू कर दीजिए, और आंसर नहीं करते हैं तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज छोड़ दीजिए कि मैम हमें पर्सनली पढ़ा दो, मैं किसी भी टाइप से
ठीक है, विदाउट एनी फीस किसी भी टाइप से मैं उन लोगों को ज़रूर पढ़ाऊंगी। और जिनको नहीं करना आंसर मत करो, अपने आराम से पढ़ो, किताबें लेके बैठ जाओ, स्कूल से वो भी रीओपन होने वाले हैं तो वहीं से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आप लोग मेरे को आंसर नहीं करेंगे तो मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगी, मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ कि यार क्या है, मैंने आंसर किया, किसी एक बच्चे का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि यदि आप लोग इतने बच्चे आंसर करोगे और मैं किसी एक ही बच्चे का आंसर करूँ तो आपको कैसा लगेगा। बाकी मान लो कि 30 अप्रोक्स बच्चों ने देखा, 30 ने मेरे को क्वेश्चन किया और मैं किसी एक का ही आंसर करूँगी, 29 का मैंने आंसर नहीं किया, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। जैसा मेरे को अभी लग रहा है, ठीक है, सेम वही कंडीशन आप लोगों की रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये ब्रेन स्टेम हो गया, फिर ये क्रैनियल नर्व, फिर थॉरेसिक और ये लंबर और ये सैक्रल जो नर्व सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी है, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, जो हम लोगों ने सिंपैथेटिक में 21 पढ़ी थी, पैरासिम्पैथेटिक में कितनी है, ओनली 7 है। और 7 को याद करने का भी बहुत इजी सा तरीका रहेगा, सीधी 4 जो थी, 4 हमारी किस में पाई जा रही है, इसमें एक तो क्रेनियल नर्व से 4, तो 4 में से एक तो ब्रेन में, थर्ड जिसको हम ऑक्यूलो मोटर बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद में जो 3 है, 7th, 9th और 10th, ये हमारे सीक्वेंस है, वो ब्रेन स्टेम से रिलीज होने वाले हैं। तो ब्रेन स्टेम से रिलीज होंगे तो 7th को क्या कहा जाएगा, फेशियल कहा जाएगा, 9th है उसको ग्लोसा फेरेंजल, और जो 10th है उसको वेगस बोलते हैं, ठीक है। वेगस है वो हमारी सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो तीनों नर्व्स है वो यहाँ से यहाँ जो पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि डायरेक्ट सैक्रल में हमारी थर्ड है, सैक्रल हम लोगों ने देखा था कि स्पाइनल कोड में हम लोगों ने सिर्फ सैक्रल, सेरिब्रल, सॉरी ये नाम याद करे थे, उनके अंदर के नाम हम लोगों ने नहीं पढ़ने, तो हम सीधा सिक्वेंस याद रखेंगे 2nd, 3rd और 4th, ठीक है। तो हमारी सैक्रल थी वो टोटल 5 थी, 5 में से 2nd, 3rd और 4th है, वो हमारी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स की तरह काम करेगी, ठीक है। वही सिस्टम रहेगा सेम CNS से ही, यहाँ पे आगे प्री गैंग्लियन, फिर गैंग्लियन और फिर पोस्ट गैंग्लियन। तो ये सारे का सारा सिक्वेंस यहाँ कंप्लीट होने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको प्री गैंग्लियन है वो लंबी सी देखने के लिए मिल रही है, सिंपैथेटिक में आपको छोटी देखने के लिए मिल रही थी। गैंग्लियन है ये तो ऑर्गन के जस्ट पास में होता है, यहाँ से हम ऑर्गन्स बना सकते हैं किसी भी टाइप के, आपके बुक में दे रखे हैं तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ था याद रखना है कि इस डायग्राम में इस टाइप से था, ठीक है। तो यहाँ के गैंग्लियन, जैसे वहाँ के गैंग्लियन 21 जो गैंग्लियन है वो सिंपैथेटिक ट्रंक बना रहे थे, एक कॉर्ड बनाने का काम करते, लेकिन यहाँ पे ये किसी रूप से बाइंड नहीं होंगे, किसी टाइप से कोई चेन का चेन है वो जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से ये ध्यान में रख सकते हैं। एक बार हम थ्योरी वापस देख लेते हैं, थ्योरी में ये होगा कि उसका जो आउटफ्लो था क्या, कैसा था, थॉरेसिक और लंबर वाला, ठीक है, वक्षीय कटी प्रकार का बहिर्गमन था ना, आउटफ्लो था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि थॉरेसिक और लंबर में सबसे ज्यादा नर्व्स पाई जा रही थी। यहाँ पे नर्व्स कहाँ पाई जा रही है, एक तो क्रेनियल नर्व्स है और एक स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेनियल वाले पोर्शन में होगी और सैक्रम वाले पोर्शन में, तो इसको क्या बोला हम लोगों ने, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, क्लियर, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो हम इसको बोलते हैं। टोटल 7 होगी, 4 होगी वो कौन सी होगी, क्रेनियल नर्व्स होगी, जिसको 3, 7, 9 और 10 उसमें याद करना है। फिर 3 होगी वो सैक्रल नर्व्स होगी, वो कौन सी होगी, 2, 3 और 4। उसके बाद हम बात करते हैं प्री गैंग्लियन फाइबर्स यहाँ कैसे दिख रहे हैं, हमें लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, कंपेयर किससे करना है, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर से, तो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर है वो कैसा है, शॉर्ट है। उसके बाद में किसी भी टाइप की कोई चेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई गैंग्लियन है वो चेन नहीं बना रहा, यहाँ नहीं बना रही कोई भी चेन, ठीक है। उसके बाद में बोथ एक्सॉन्स सीक्रेट एसिटोकोलिन, ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि प्री गैंग्लियन था वो एसिटोकोलिन को सिक्रेट कर रहा था, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियन था वो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों जो एक्सॉन है वो क्या सिक्रेट करेंगे, मतलब प्री के भी और पोस्ट के भी, दोनों के गैंग्लियन के जो हमारे एक्सॉन पोर्शन है वो एसिटोकोलिन को सिक्रेट करेंगे, तो इसको हम क्लोरिनर्जिक टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि ये लिमिटेड इफेक्ट दिखाते हैं, लिमिटेड इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं कि पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो छोटी सी है,
ठीक है, तो यहाँ से गैंग्लियन से इफेक्ट है वो इस ऑर्गन पे ही डालेंगे। लेकिन हम लोगों ने कल देखा था कि जो पोस्ट गैंग्लियन थी वो बहुत लंबी थी, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी, तो उसका एक वाइड इफेक्ट था, वाइड स्प्रेड इफेक्ट देखा। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट कैसा रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो चीज़ है कि ये ऑर्गन्स तक जाते जाते एक नेटवर्क क्रिएट करती है, ठीक है। उस नेटवर्क को यहाँ पे क्या कहा जाता है, आर्किबेज, ये प्लेक्सस, ये आर्किबेज प्लेक्सस को कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ बातें और बता देती हूँ आपको कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक कुछ ऐसे न्यूरॉन्स है वो सिर्फ सिंपैथेटिक होती है, और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स है वो खाली पैरासिंपैथेटिक, जो ऑर्गन्स को खाली वो एक ही कंट्रोल कर रही है। मैंने कहा कि पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों है वो एक ऑर्गन में पाई जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिसमें खाली सिंपैथेटिक कंट्रोल है और कुछ ऐसे ऑर्गन है जिसमें खाली पैरासिंपैथेटिक कंट्रोल है। अब वो कौन कौन से है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ईसोफेगस है, हम लोग देखते हैं हमारी पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में किस टाइप से फूड है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है, क्रमानुकुंचन करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें इसोफेगस मतलब ग्रास नाल, फिर गैस्ट्रल ग्लैंड मतलब जो जठरीय ग्रंथियाँ रहेगी, और सेमिनल वेसाइकल जो शुक्राशय रहेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए खाली और खाली क्या होती है, पैरासिंपैथेटिक नर्व। और जो सिंपैथेटिक मैंने आपको कल नहीं बताई वो है एड्रिनल का मेडुला पोर्शन, एड्रिनल ग्लैंड आपको ध्यान में है ही, अधिव्रक, उसका मेडुलरी पोर्शन, आर्टरीज, जितनी भी धमनियाँ हैं, और यूटेरस जो भी गर्भाशय पोर्शन रहेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो पाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये डायग्राम वो समझ में आ गया होगा, ये नाम आप लोगों क्रैनियल नर्व्स में याद है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से वापस डिस्कस किए, स्पाइनल कॉर्ड के मैंने नाम आपको याद नहीं करवाए थे तो मैंने इनको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा का पूरा है तो आप उसके नोट्स बना लीजिए। देन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा वो यही रहेगा, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिफरेंस किस टाइप से, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। मैं डांट फांट नहीं लगाती लेकिन कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप लोग आंसर नहीं करते ना, ठीक है। तो खुश रहो, थैंक यू।